हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ग्रामर आती है प्रेपोजिशन पे, यानी कि आपको प्रेपोजिशन जो है वो फिल करनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, फिल अप दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट, यानी उचित प्रेपोजिशंस भरनी है। ये प्रेपोजिशंस दे दी आपको ओवर, अबाउट, बिटवीन, विद, बिसाइड्स, बाय, एट, ऑन, इन, अक्रॉस, फ्रॉम, अंडर, टू। तो ये आपको एक लिस्ट दे दी है। अब इसी के अंदर से आपको इसके अंदर ये जो ब्लैंक्स है आपको इसके अंदर फिल करना है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इनके हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो करने में। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ओवर का मतलब होता है के ऊपर या फिर से ऊपर या फिर ढके हुए के सेंस में, और पर भी इसका मतलब होता है। अबाउट के बारे में या फिर लगभग, बिटवीन के बीच में होता है और दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच के लिए यूज होता है। विद के साथ या से बोलते हैं, बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, बाय से, के द्वारा या तक, समय के सेंस में तक के लिए भी आता है बाय। एट पर में, ऑन पर, इन में, अक्रॉस के पार या उस पार, फ्रॉम से, अंडर के नीचे, और टू को या से, ये इनके मीनिंग होते हैं। तो अब मीनिंग आपको समझ में आ गए, तो अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसमें करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो ये है कि जो आपको ईजिली समझ में आ रहे हैं, जो बिल्कुल देखते ही समझ में आ रहे हैं कि आपको ये इसमें आना चाहिए, तो पहले आप वो कर लें। जैसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आई गेट माई सैलरी, मुझे मिलती है माई सैलरी, मेरी सैलरी, द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो डे है यानी दिन, दिन के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं हम, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 14th November, ऑन 15th August। तो हम डे के साथ यानी दिन के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे दिखाएंगे ऑन। दूसरा है, She put her hands, उसने रखा her hands, अपना हाथ, her eyes, अपने आँखों पर, and began, और शुरू कर दिया to cry, चिल्लाना या रोना। तो उसने रखा अपना हाथ, ठीक है, her eyes, अपनी आँखों पर रखा। तो जो over होता है वो ढकने के sense में भी आता है। जब उसने अपना हाथ जो है रखा होगा अपनी आँखों के ऊपर, तो जाहिर सी बात है दोनों हाथ रखे होंगे, और फिर उसने शुरू कर दिया होगा रोना। अक्सर लड़कियां ऐसे रोती भी हैं दोनों हाथ रख के, तो इसमें हम ओवर के साथ जाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे ओवर। ठीक है, तो ये क्योंकि जब उसने दोनों हाथ रखा होगा तो उसका जो पूरा चेहरा है वो ढक गया होगा। तो जब ढक जाता है पूरा, जैसे टेबल के ऊपर हम अगर अखबार पूरे टेबल से अखबार को पूरा ढक दें या फिर उसको कपड़े से ढक दें, तो उसके लिए ओवर आता है। ठीक है, अगर वो चारों तरफ से अगर ढक गया हो, अगर वो आधा ही ढका रहेगा फिर वहाँ पे ऑन आएगा, क्योंकि वो टचिंग पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि इसलिए। ठीक है, फिर चलो, आई हैड पेन माई आईज, मान लो ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसे छोड़ दो। फिर यहाँ लिखा है 9 o'clock, everyone had gone home. 9 बजे, everyone had gone, यानी हर कोई जा चुका था घर। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, और बाई का मतलब होता है तक के सेंस में, बाई का मतलब तक भी होता है, से भी होता है, और के द्वारा भी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई 9 o'clock, मतलब 9 बजे तक, एवरी वन हैड गॉन होम, हर कोई घर जा चुका था, तो हम यहां लिखेंगे बाय। ठीक है, बाय 9 o'clock, मतलब बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, जब किसी ट्रांसपोर्ट जैसे हवाई जहाज हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, जब हम इधर उधर जाते हैं या आते हैं तो हम बाय लगाते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है, जैसे
स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, और बाय का मतलब तक भी होता है, तो यहाँ पे तक के सेंस में आया है कि बाय 9 o'clock 9 बजे तक एवरी वन हैड गॉन होम, हर कोई घर जा चुका था। फिर नेक्स्ट है ही लेप्ट द स्ट्रीम एंड मेड हिज एस्केप, ही लेप्ट द स्ट्रीम एंड मेड हिज एस्केप। ही लेप्ट मतलब होता है छलांग लगाना, फान जाना, कूद जाना, तो उसने छलांग लगाई या फांद गया वो। अब फांद गया, स्ट्रीम होती है, इसे सरिता बोलते हैं, नदी कहते हैं, लेकिन ये नदी से छोटी होती है। तो अब उसने छलांग लगाई है या फांद करके उसने पार किया है, एंड मेड हिज एस्केप, और वहाँ से फिर वो बच के भाग निकला है। तो यहाँ पे जब हम किसी गली को या रोड को या फिर नदी को जब हम पार करते हैं, यानी पार की सेंस आती है, तो हम फिर अक्रॉस लगाते हैं पार के सेंस में, तो हम यहाँ लिखेंगे अक्रॉस। ठीक है, जब हम पुल है कोई, ब्रिज वगैरह है, जब उसको हम चल के पार करते हैं या हवा में पार करते हैं, ठीक है, नदी हो या गली हो या रोड हो, तो हम अक्रॉस लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है इट इज़ ए बुक, ये एक किताब है, थ्री मैन एंड देयर एडवेंचरस के बारे में। तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात होती है तब तो हम ऑन लगाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि राइट एन एस्से ऑन महात्मा गांधी, या फिर राइट एन राइट समथिंग ऑन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, कुछ ऐसा। तो जब स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हम फिर ऑन लगाते हैं, लेकिन जब हम एक जनरल बात करते हैं तो वहाँ पे हम अबाउट लगाते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज़ ए बुक, ये एक किताब है, अबाउट बारे में, थ्री मैन एंड देयर एडवेंचरस के बारे में, उनके साहसी कामों के बारे में, तो हम यहाँ लिखेंगे अबाउट। ठीक है, क्योंकि ये थ्री मैन एंड देयर एडवेंचरस हैं, ये कोई खास स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। फिर लिखा है क्रिकेट आई लाइक टू प्ले, क्रिकेट आई लाइक टू प्ले, मैं पसंद करता हूँ खेलना बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे एक वर्ड है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, तो यहाँ हो जाएगा बिसाइड्स, यानी कि क्रिकेट के अलावा आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ टू प्ले, खेलना बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। एक और अच्छी बात है कि अगर आप हिंदी समझ लेते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और करने में आपको ईजी रहेगा। फिर नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूँ, दैट आई शुड नॉट लाफ, कि मुझे नहीं हंसना चाहिए हर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लाफ के साथ और स्माइल के साथ हमेशा एट आता है, ऑन नहीं आता। ठीक है, तो आई नो दैट आई शुड नॉट लाफ, मुझे नहीं हंसना चाहिए एट हर उस पर, बट हर न्यू हेयर स्टाइल जो है इज़ लुकिंग, दिख रहा है सो फनी, बहुत ही फनी दिख रहा है। तो हम स्माइल और लाफ के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना एट लगाते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ मूव्ड माई ब्रीफ केस, किसने मेरा ब्रीफ केस हटाया है, आई लेफ्ट इट, मैंने छोड़ा था इसे ऑन दी टेबल। तो साफ साफ पता लग रहा है टेबल पर, तो टेबल पर रखा है, टेबल के ऊपर उसने अपना ब्रीफ केस रखा होगा। तो ऑन तब लगाते हैं जब किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ स्पर्श में, यानी कि टचिंग पोजीशन में रखी होती है, उससे चिपक के रखी होती है, टचिंग होती है, तब हम ऑन लगाते हैं। तो टेबल पे ब्रीफ केस रखा था तो हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे। फिर है आई सॉ, मैंने देखा रूबी को, बट शी एज, यानी क्योंकि शी वॉज, वह थी हर कार, कार पर थी, कार के बारे में थी, ठीक है, कार के नीचे थे ऐसा नहीं हो सकता, तो यानी वो कार में होगी। जब भी कोई चीज़ बाउंड्री में होती है, घेरे में होती है, तब हम इन लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इन, जैसे कि इन रूम, इन स्टेडियम, इन कप, इन जग, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु घेरे में हो, बाउंड्री में होती है, तो हम इन लगाते हैं। तो वो कार में थी, कार के अंदर होगी, जाहिर सी बात है, तो हम इन लगाएं। अगर वही बाइक पर होती या स्कूटर पे होती तो हम फिर हम इन नहीं लिखते, फिर हम ऑन लिखते, क्योंकि बाइक और कार की बाउंड्री नहीं होती।
तो ये लिखा हुआ है कि आई सॉ, मैंने देखा रूबी को, बट एज क्योंकि शी वॉज इन हर कार, वो अपनी कार में थे, इसीलिए शी डिड नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाई या उसने मुझे नहीं देखा। फिर नेक्स्ट है, हैव यू टॉक, क्या तुमने बात की है, योर ब्रदर, अपने भाई से, हु रिसीव, जिसको मिला था एकेडमिक अवार्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी टॉक आएगा तो उसके बाद हम टू लगाते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई टॉक टू हर, ऐसा। तो टॉक के साथ हमेशा आप टू लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो टू वैसे जो है वो मूवमेंट के केस में आता है, जब हम कहीं किसी जगह पे, किसी प्लेस पे जाते हैं या किसी व्यक्ति पर्सन के पास जब हम जाते हैं मूव करके, तब भी टू लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू रवि, आई एम गोइंग टू प्रिंसिपल। तो यानी कि प्लेस के साथ और किसी व्यक्ति के पास जाने के सेंस में, मूव के सेंस में हम टू लगाते हैं। और जब हम, एक मैंने बताया कि टॉक के साथ भी हमेशा टू लगता है। आगे है, द रिवर फ्लोज स्लगसली द ब्रिज, जो नदी है वो बहती है, स्लगसली मतलब कि धीरे धीरे बहती है, ब्रिज पुल पर बहती है, तो पुल पे तो बहेगी नहीं, ठीक है, पुल के नीचे ही बहेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर। अंडर हमारा ऑप्शन में है तो हम लिखेंगे अंडर, ठीक है। फिर है मैनी पीपल एब्सटेन, एब्सटेन होता है बचना, कि कई लोग बचते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड से। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग बचते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड पर, बचते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में, बचते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड में, बचते हैं। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कि कई लोग जो हैं एब्सटेन बचते हैं फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड से। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको प्रेपोजिशन के थोड़े बहुत रूल जो हैं किसी भी ग्रामर की बुक से कुछ हद तक पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो ग्रामर आएगी उसमें आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।